गुड आफ्टरनून क्लास गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून सभी को तो भैया गुड आफ्टरनून चलिए सभी लोग एक बार क्लास को जुड़ जाओ हुआ प्रतीक्षा रेनु प्रेम दुर्गा आस्था प्रियंका सभी का स्वागत है गुड आफ्टरनून स्पेलिंग रॉन्ग टाइप हुई थी अभी ना मिला चलिए कोई बात नहीं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला तो ये क्वेश्चन आप सबके सामने हम लेकर प्रस्तुत किए हैं वो रिपोर्ट लेकर प्रस्तुत किए हैं इंडियन आर्मी के संदर्भ में जो भारतीय सेना के संदर्भ में रिपोर्ट आई थी वो रिपोर्ट लेकर आप सबके सामने प्रस्तुत हुए क्वेश्चन वाकई में लाजवाब था क्वेश्चन वाकई में लाजवाब था मैंने क्वेश्चन पढ़ा था मैं इस डेटा को पढ़ा था पहले भी इंडियन आर्मी के संदर्भ में कि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारतीय आर्मी को लेकर इंग्लैंड सरकार ने क्या क्या काम किया था मैंने इस चीज को पढ़ा था पहले ही लेकिन मैंने भी देखा कि गूगल पर बच्चे पा नहीं रहे थे नहीं जाए थे तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं मैंने सरकारी वेबसाइट से भारत सरकार की वेबसाइट से उस डेटा को डाउनलोड किया उस रिपोर्ट को डाउनलोड किया जो वर्ष उन्नीस में आई थी चलिए एक बार फिर से सभी लोगों का स्वागत है और इस रिपोर्ट से ही हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे जो आप लोग कह रहे थे कि वो सवाल का जवाब हमें नहीं मिल रहा है तो चलिए सभी का स्वागत है भाई बबलू बब्लू सीडियल एक्सपेरेंट्स अनु महिमा सभी का स्वागत है गुड आफ्टरनून भाई प्रणाम प्रेम भाई प्रेम भाई प्रणाम हम भी भाई आप भी भाई सबके सब भाई तो सभी का स्वागत है ना भाई तो स्टार्ट किया जाए क्लास को स्टार्ट किया जाए इस रिपोर्ट जा जा को देखना ये रिपोर्ट बहुत लाजवाब है ये रिपोर्ट बहुत लाजवाब है चलिए गुड आफ्टरनून भाई गुड आफ्टरनून चलिए याद है आपको कल इसी पर हम लोग आकर रुके थे एक रिपोर्ट थी इंडियन सैंडहर्स्ट कमेटी भारतीय सैंड हर्स्ट कमेटी एक कमेटी थी तो चलिए हम लोग इस कमेटी पर हम लोग थोड़ा सा बात करते कल हमारा क्वेश्चन क्या था हमारा क्वेश्चन था कि भारतीय सेना के भारतीयकरण हेतु भारतीय सेना के भारतीयकरण हेतु एक कमेटी कमेटी बनी थी कमेटी का नाम क्या था इंडियन सैंड हर्स्ट कमेटी इस कमेटी का जब गठन हुआ था तो इसमें कौन सा भारतीय शामिल था हमें यही बात करनी थी यही हमारा सवाल था यही हमारा क्वेश्चन था चलिए हम आपको बताते हैं वो आंसर क्या होगा ध्यान से सुनना इस रिपोर्ट को इस रिपोर्ट को देखना ये रिपोर्ट है फॉरवर्डेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ठीक एक ये क्या कहते हैं एक रिपोर्ट है इस रिपोर्ट में हमें जो मैटर बात करनी है जिसके बारे में हमें चर्चा करनी रिपोर्ट बहुत लंबी है करीब साठ पैंसठ पेज में ये रिपोर्ट है ये उन्नीस की रिपोर्ट है शिमला यहां पर लिखा हुआ है आर्मी डिपार्टमेंट शिमला फर्स्ट अप्रैल नाइनटीन ये रिपोर्ट बहुत पीछे की चलिए आगे देखना रिपोर्ट यहाँ पर क्या लिखी हुई है देखना सबसे पहले लिखा हुआ है आवर कमेटी नोन एज द इंडियन सैंड हर्ट्स कमेटी एज अदरवाइज एंड द स्किन कमेटी यहां पर एक बात समझना इस कमेटी का एक नाम और है इसका नाम क्या है स्किन कमेटी ठीक यहाँ पर लिखा हुआ यह कमेटी कब बनी है जून 1925 में जून 1925 में इस कमेटी का निर्माण किया गया था अब देखना हमें केवल इसके मेंबर के बारे में बात करना है तो मेंबर देखिएगा हाँ पर आपको मेंबर मिलेंगे ये ये देखना मेंबर इसके चेयरमैन बनाए गए थे चेयरमैन बने थे कौन एंड्रू इसके चेयरमैन कौन थे इसके चेयरमैन थे एंड्रू स्कीन ये इसके चेयरमैन थे इस चेयरमैन होने के कारण इस कमेटी को स्कीन कमेटी भी कहा जाता है इसके मेंबर देखिएगा इसके ये है वो नाम जो आपका था प्रश्न का उत्तर ये वो नाम है जो इस प्रश्न का उत्तर था चार नाम थे महात्मा गांधी था एनी बेसेंट था मोतीलाल नेहरू थे और कोई एक नाम और था आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य इस कमेटी में शामिल था तो आंसर क्या होगा पंडित मोतीलाल नेहरू एमएलए पंडित मोतीलाल नेहरू एमएलए और देखना कौन कौन था और देखना कौन कौन था इसमें देखिएगा मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना एमएलए ये भी शामिल थे जिन्ना जी भी शामिल थे तो इसमें नेहरू भी थे और जिन्ना भी थे नाम और सारे भी हैं लिखा हुआ है सरदार जोगेंदर सिंह एग्रीकल्चर पंजाब गवर्नमेंट ये भी शामिल थे इसमें तो कई लोग थे कमेटी में इस कई, कमेटी में में कई कई लोग नाम थे तो देखना क्या क्या है एक नाम लिखा है पंडित मोतीलाल नेहरू एक लिखा है मोहम्मद अली जिन्ना एक नाम लिखा हो सरदार जोगिंदर सिंह एक नाम लिखा हुआ आ, सर फिरोज सेठना एक नाम लिखा हुआ दीवान बहादुर राव दीवान बहादुर रामचंद्र यह नाम लिखा हुआ है एक नाम लिखा हुआ है नवाब सर सहीजाबाद हाँ सहीजाबाद नवाब सर साहिब जादा अब्दुल कुमायू ठीक कयूम आप यहां पर देखेंगे सब एमएलए हैं ये सब एमएलए हैं है। देखो ये भी एमएलए हैं ये भी एमएलए हैं एक नीचे और नाम होगा भी नीचे देखो और नाम होगा लिखा है आ, हीरा सिंह एक नाम देखेंगे यहां पर लिखा हुआ हीरा सिंह एक नाम लिखा हुआ है सरदार बहादुर ये एमएलए हैं ठीक यहां पर एक नाम लिखा हुआ जियाउद्दीन अहमद ये सारे व्यक्ति हैं जी एन बनर्जी ये सारे व्यक्ति हैं जो इस कमेटी में शामिल थे लेकिन हमसे मतलब किससे था पंडित मोतीलाल नेहरू से तो कई लोग हैं नेहरू जी भी हैं और जिन्ना भी है भारतीय राजनीति में ये दो नाम है दूसरी बात आपको बताएं एक पॉइंट और सुनना एक पॉइंट और सुनना इसी को पढ़ने पर एक पॉइंट और मिला था और इस पॉइंट को देखना लिखा क्या था इस पॉइंट को पढ़ना लिखा हुआ है क्या पंडित मान मोतीलाल नेहरू ने वर्ष 1926 में इस कमेटी से इस्तीफा भी दे दिया था बात समझे वर्ष 1926 में इस कमेटी से इस्तीफा दिया गया था तो फिर से सुनना मामला क्या था 1925 में इस कमेटी का गठन किया गया था 1925 में इस कमेटी का क्या हुआ भैया गठन हुआ है 1925 में यह कमेटी बनी थी 1926 में मोतीलाल नेहरू ने क्या किया है इस्तीफा दिया है और 27 में रिपोर्ट दी गई है आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था अब आते हैं हम इस क्वेश्चन पर अब आते हैं हम लोग इस क्वेश्चन पर एंड्रू स्किन इसके क्या थे एंड्रू स्किन इसके क्या थे अध्यक्ष थे इस कमेटी के अब आना अपने सवाल पर चलिए देखिएगा क्वेश्चन क्या था अब ध्यान से पढ़ो क्या लिखा हुआ था यह था क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ था निम्न में से किसे भारतीय सेना के भारतीय सरकार द्वारा इंडियन हास्ट कमेटी का सदस्यता प्रदान की गई थी आपसे क्वेश्चन यही पूछा गया था चलिए बताइएगा अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना अब तो मिल गया ना क्यों भाई अब तो मिल गया ना हम फिर से बता रहे हैं इस कमेटी का गठन 1925 में किया गया है इस कमेटी का गठन कब हुआ है 1925 में हुआ है इस कमेटी में मोतीलाल नेहरू भी हैं। इस कमेटी में जिन्ना भी हैं। बाकी अन्य सदस्य भी थे एंड्रू क्या थे अध्यक्ष थे। 1926 में मोतीलाल नेहरू ने इस्तीफा तक दे दिया है और 27 में रिपोर्ट आई है अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा पंडित मोतीलाल नेहरू हमने देखा काफी बच्चों ने ढूंढने का प्रयास किया काफी बच्चों ने ढूंढने का प्रयास किया लेकिन ये क्वेश्चन वाकई में यूनिक था वाकई में यूनिक था मैंने कई किताबें उठाई मैंने कई किताबें उठाई किसी भी किताब में ये डेटा था नहीं ये तो मैंने देखा ये मेरा नोट्स था नोट्स था जिसमें लिखा हुआ था ब्रिटिश शासनकाल के दौरान जो भारतीय सेना के संदर्भ में ब्रिटेन ने जो काम किया था उस नोट्स में ये प्रश्न था लेकिन मैंने देखा कि किसी भी किताब में डेटा नहीं था अच्छा क्वेश्चन है अच्छा फैक्ट है तो आप सजा याद रखिए मैं यहां पर एक चीज कर जरूर रहा हूं कि जितने ही प्रश्न आ रहे हैं मैं ये ध्यान दे रहा हूं कि मैं अपनी नोट्स किताब दोनों को साथ में लेकर चल रहा हूं ताकि कोई भी पॉइंट आपसे छूटने ना पाए फिर भाई आगे चले अच्छा कमेटी लिखा था तो कॉमेडी आ जा रहा था कोई बात नहीं भाई कॉमेटी लिख रहा था तो आप लिख रहे थे तो वहां पर कॉमेडी आ जा रहा था कोई बात नहीं अब तो मिल गया भाई ना प्रश्न प्रेम भाई ढूंढोगे तो क्या नहीं मिलेगा हमने भी ढूंढा और हमने कहां से ढूंढा डायरेक्ट इंडिया भारत सरकार की वेबसाइट से ढूंढा हम क्या यार दिखाएंगे जरूर दिखाएंगे जरूर ऐसा था यार मैंने पढ़ा था हा? तो आपके सामने लेकर प्रस्तुत चलिए क्वेश्चन आप सबके सामने लिखा हुआ है क्या क्वेश्चन नंबर टू सेवेंटी नाइन लिखा हुआ है किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था क्वेश्चन नंबर टू सेवेंटी नाइन बताइएगा असहयोग आंदोलन असहयोग आंदोलन की बात करते हैं तो आप याद रखिएगा अगस्त 1920. एक अगस्त 1920 विदेशी वस्त्रों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी कहा था लार्ड रीडिंग ने मोतीलाल नेहरू ने मोहम्मद अली जिला ने या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर ने सबको पता है विदेशी वस्त्रों को हम जो जला रहे थे तो बताया कि एक बर्बादी है एक निष्ठुर बर्बादी है किसकी हमारे वस्त्रों की ये गलत काम है ऐसा कहने वाले व्यक्ति कौन है तो आप कहेंगे विश्व गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर तो टैगोर जी ने इसका क्या किया था भाई विरोध किया था टैगोर जी ने कहा था कि ये गलत बात है कभी तो भी हम जब किसी भी चीज़ का विरोध करते हैं तो हम देखते हैं कि अग्निवीर चल रहा था अग्निवीर का हम विरोध कर रहे थे सरकार के खिलाफ विरोध कर रहे थे तो हम क्या करते थे हम लोग रेलवे स्टेशन जला देते थे हम लोग बसें जला देते हैं हम लोग हॉस्पिटल बनाते थे तो हम लोग ये बर्बाद करते थे जलाते थे ये गलत बात है विरोध करना एक अच्छी बात है आप किसी कोई भी चीज आपको हमारा विरोध करना है तो करिए लेकिन अब हमारा नुकसान करना हो आप हमारा नुकसान करिए फिर ये बात गलत है वही कहना है कि असहयोग में हम लोग उनका सहयोग नहीं करेंगे वो तो अच्छी बात है लेकिन हम लोग जो वस्त्रों को जला रहे हैं उनको बर्बाद कर रहे हैं ये बात गलत है ये बात गलत है इस बात को कहने वाले कौन थे टैगोर तो जी क्लियर भाई आगे अगला क्वेश्चन क्वेश्चन दो सौ अस्सी बताइएगा गांधी मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया चलिए बताइएगा क्वेश्चन अगस्त दो हजार बीस उन्नीस सौ बीस को ही जिस दिन असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था उसी दिन सुबह ही तिलक जी की डेथ हुई थी बिल्कुल सही बात है गिरजा भाई बिल्कुल सही बात है फिर चलिए क्वेश्चन आप सबके सामने है लिखा हुआ है किसने कहा था इसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया तो बिल्कुल सही भाई है किसने कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को गांधी जी की मृत्यु हुई थी तो आप कहेंगे तीस जनवरी उन्नीस को तीस जनवरी उन्नीस को दिल्ली में हत्या हुई थी किसकी महात्मा गांधी जी की तो किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया तो ऐसा कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू आंसर करेक्ट यहां पर क्या होगा चाचा जी एंटर, क्या होगा भैया चाचा जी ठीक पंडित जवाहरलाल ने सर सात मॉडर्न हिस्ट्री की बुक लेके बैठे हैं बहुत अच्छी बात है चाहान भाई बहुत अच्छी बात बुक लेके बैठे हो मेरी वजह से आप बुक लेके बैठे हो बड़ी अच्छी बात है खुशी मिलती है कोई बच्चा अगर मेरी वजह से इतिहास पढ़ता है ना मुझे बहुत खुशी होती है बहुत खुशी होती भाई सच बता रहे हैं दिल एकदम गदगद हो जाता है कोई व्यक्ति अगर कहता है कि जी एस पढ़ना है हिस्ट्री पढ़ना है क्वालिटी पढ़ना है तो मुझे बड़ी खुशी होती है रियलिटी बता रहे हैं सच्ची बता रहे हैं ठीक चलिए कि मेरी वजह से कोई तो हिस्ट्री पकड़ा चलिए क्वेश्चन देखना क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ हुंकार पत्रिका के संस्थापक कौन थे बढ़िया सा क्वेश्चन है बताइएगा लाला जी थे एनी बेसेंट थी थे थे सहजानंद सरस्वती या फिर दादा भाई नरोजी थे चलिए बताइएगा बढ़िया सा क्वेश्चन है अब बताइएगा हुंकार पत्रिका के संपादक कौन है चलिए बताइएगा हुंकार पत्रिका के संपादक कौन है बढ़िया सा सवाल है भाई तो सभी लोग बताना चलिए बताइएगा बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे पूछाता है बिहार किसान सभा वो तो पूछा गया क्वेश्चन है बिहार किसान सभा की स्थापना किसने की थी तब वही व्यक्ति का नाम आता है वर्ष था उन्नीस बिहार किसान सभा की स्थापना किसने की थी तो आप कहते हैं सहजानंद सरस्वती ने किसने की थी भाई सहजानंद सरस्वती ने की थी और इन्होंने ही इन्होंने ही प्रथम भारतीय प्रथम भारतीय प्रथम भारतीय क्या सॉरी अखिल भारतीय क्या नाम है अखिल भारतीय अखिल भारतीय किसान सभा किसान सभा किसान सभा के के प्रथम अध्यक्ष के प्रथम अध्यक्ष अगर आपसे कहीं पूछा जाता है तो आंसर क्या होगा सौ अस्ती तो हम कहते हैं बिहार किसान सभा के संस्थापक हैं सहजानंद सोस्ती और हुंकार नामक समाचार पत्रिका के संपादक भी हैं कौन सहजानंद सोस्ती याद रखना सदैव याद रखना सदैव उन्नीस में उन्नीस में जब अखिल भारतीय किसान सभा आती है तो उसके प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे कौन तो आप कहेंगे कौन भाई सहजानंद सोस्ती जी सहजानंद सोस्ती ने ही बिहार किसान सभा की स्थापना की थी वर्ष उन्नीस में और इन्होंने ही क्या किया था होंकार नामक समाचार पत्रिका का संपादन किया क्लियर आगे चलते हैं तीन क्वेश्चन याद रखना किससे सहजानंद सरस्वती अगला क्वेश्चन चलो बताओ लिखा हुआ है एक कवि का नाम लिखा हुआ एक महान कवि का नाम लिखा हुआ है उसका नाम है मोहम्मद इकबाल एक प्रसिद्ध नाम है लिखा है कवि मोहम्मद इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा गीत लिखा था सारे जहां से अच्छा हिंदुसिता हमारा एक प्रसिद्ध गीत है आपसे पूछा गया है गीत लिखा था यह भारत के किस स्थान से संबंधित है कौन मोहम्मद इकबाल मोहम्मद इकबाल ने जो एक गीत लिखा था सारे जहां से अच्छा हिंदुसिता हमारा सबको तो पता है इस गीत के रचयिता कौन है तो आप कहेंगे मोहम्मद इकबाल आपसे पूछा गया है वह भारत के किस स्थान से संबंधित है अर्थात उनकी जन्मस्थली के बारे में पूछा गया है उनकी जन्मस्थली उनकी कर्मस्थली के बारे में पूछा गया है वह फलाने व्यक्ति कहा से संबंधित है आपके सामने ऑप्शन है लिखा हुआ है दिल्ली ऑप्शन लिखा हुआ पंजाब ऑप्शन लिखा हुआ उत्तर प्रदेश ऑप्शन लिखा हुआ है है कश्मीर मोस्ट मोस्ट बढ़िया बढ़िया सा सा सवाल सवाल कौन बताएगा भाई बताइएगा बढ़िया सा बहुत ही शानदार सा सवाल है बताना नीति कह रही है ए ऑप्शन गलत है महिमा कह रही है पता नहीं ध्रुआ कह रहे हैं डी ए एस सी ए एस सी आ रहा है आंसर कालू कह रहे हैं डी ऑप्शन

मोहम्मद इकबाल सीधे पूछा आता है सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा ये गीत किसने लिखा था तो मोहम्मद इकबाल ने पहली बार दूसरी बार एक प्रसिद्ध इंकलाब 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 नारा याद रखना जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था तब भी आप कहेंगे क्या मोहम्मद इकबाल ने तीसरा क्वेश्चन पाकिस्तान नामक एक राष्ट्र होगा इस बात का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था मोहम्मद इकबाल के बात समझो भाई मोहम्मद इकबाल के दिमाग में आया था चलिए एक सवाल आपसे पूछते हैं सवाल का जवाब देना देखते हैं किसका जवाब ये सही होगा पूछना बताना बताओ जिन्ना की जन्मस्थली क्या है जिन्ना की जन्मस्थली क्या है मोहम्मद अली जिन्ना बताना ये क्वेश्चन हम आपसे आगे भी पूछेंगे अभी बात आई है तो हम चेक कर ले रहे हैं कितने बच्चों को पता है तो बताइएगा जिन्ना की जन्मस्थली क्या है चलिए एंस, आंसर देना भाई प्रेम भाई इंडिया मत बताओ इंडिया मत बताओ स्थान बताओ अविभाजित भारत में भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश में से किसी उस स्थान का नाम बताइए जहां पर मोहम्मद अली जिन्ना का जन्म हुआ था मोहम्मद अली जिन्ना कहा के थे चलिए बताइएगा बताएगा भाई कराची गुजरात ऑप्शन ऑप्शन अच्छा ऑप्शन आप गांधी जी मोदी जी जिन्ना जी चलिए प्रेम भाई का कहना है गुजरात तो चलिए चलिए काफी बच्चों का आंसर आ रहा है गुजरात काफी बच्चों का आंसर आ रहा है गुजरात तो, तो बोलते नहीं। बोलते नहीं। बोलते नहीं काफी तो बोलते ही नहीं है काफी तो बोलते ही नहीं है बोलते नहीं भैया काफी तो बोलते ही नहीं है मोहम्मद मारूफ कह रहे हैं अहमदाबाद आनंद भाई कह रहे हैं क्या यूपी उत्तर प्रदेश शायद गुजरात शायद गुजरात अरे गुजरात वालों गलत है भैया गलत है आंसर होगा दिल्ली आंसर होगा भाई क्या जिन्ना की जन्मस्थली क्या है भाई दिल्ली है दिल्ली में इनका महल भी है दिल्ली में इनका आवास भी है पैतृक संपत्ति भी है जिन्ना की बर्थ प्लेस क्या होगा भाई दिल्ली आंसर होगा हमारी दिल्ली जिन्ना की क्या है बर्थ प्लेस है किसी को नहीं पता सबका आंसर गलत है जिन्ना की जन्मस्थली क्या है भाई दिल्ली है बात समझे भाई दिल्ली है चलिए उम्मीदों की नगरी दिल्ली चलिए क्वेश्चन नंबर टू एट्टी थ्री बताना मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था आपसे पूछा गया है कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था मुक्त तो हुआ इससे याद है मुक्ति दिवस या धन्यवाद दिवस याद है चलिए बताइएगा मुक्ति दिवस मुक्ति दिवस आपसे पूछा राजस्थान काठियावाड़ी में अरे नहीं भैया राजस्थान नहीं है बोगा भैया दिल्ली होगा चलिए आंसर आपसे पूछा गया है क्या कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था याद है किसी को मुक्ति दिवस आंसर क्या होगा भैया 1946 मेरे 1946 वालों अरे 1946 वालों गलत है भाई 1946 वालों गलत है भाई आंसर बताओ की ऑप्शन सब के सब गलत हो ये एक आंसर दिखाता ऊपर जो एक ऊपर आंसर दिखाता उसी का सही था बाकी सब गलत था बाकी सब गलत थे सब गलत है भाई आंसर यहां पर क्या होगा आंसर होगा ए ऑप्शन आंसर होगा भाई ए ए ऑप्शन ऑप्शन सही, सही है कहा ऑप्शन सही है सही बता रहे सही है, है भैया इसलिए याद है आपको कहातालीस में फर्स्ट वर्ल्ड वार प्रारंभ हुआ जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वार प्रारंभ हुआ था तो तीन सितंबर को लिलितो ने घोषणा की थी कि समस्त भारतीय सेकेंड वर्ल्ड वार में शामिल होंगे इस बात की घोषणा की गई थी तो कांग्रेस ने प्रत्येक राज्य से सरकार गिरा दी थी उन्नीस की घटना है ध्यान रखना उन्नीस की घटना है और जब उन्नीस में कांग्रेस ने भारत के सभी राज्यों से इस्तीफा दे दिया तो मुस्लिम लीग खुश हो गई मुस्लिम लीग खुश हुई और मुस्लिम लीग कहती है कि धन्यवाद कांग्रेस आपने इस्तीफा दिया यह तिथि आज मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाएगा देश मुक्त हुआ किससे कांग्रेस से कांग्रेस इस्तीफा दी थी बिल्कुल सही बात है शिवानी बिल्कुल सही बात है कांग्रेस ने उन्नीस में भारत के प्रत्येक राज्य से इस्तीफा दे दिया था क्योंकि भारत को जबरदस्ती सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल किया जा रहा था जब कांग्रेस इस्तीफा देती है तो मुस्लिम लीग खुश हो जाती है और कहती है हम मनाएंगे क्या मुक्ति दिवस तब उन्नीस में आंसर यहां पर क्या राइट होगा भैया वर्ष उन्नीस कांग्रेस की इस्तीफा देने की खुशी में मुस्लिम लीग ने स्थिति को मुक्ति दिवस अर्थात अथवा धन्यवाद दिवस के रूप में मनाया था बिल्कुल सही बात है आपसे पूछा जाए तिथि थी थी। तो आप कहेंगे बाईस दिसंबर उन्नीस सौ उनतालीस बाईस दिसंबर उन्नीस सौ उनतालीस मुक्ति दिवस दूसरी बात आपको बताएं। इस मुक्ति दिवस के मनाने में अच्छा नहीं हाँ मुक्ति दिवस के मनाने में डॉक्टर अंबेडकर भी साथ थे आपसे पूछा गया क्वेश्चन है एक बढ़िया सा क्वेश्चन बताते हैं आपसे क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग ने किसके साथ मिलकर मुक्ति दिवस मनाया था तो इस मुक्ति दिवस के मनाने में डॉक्टर अंबेडकर जी भी मुस्लिम लीग के साथ थे डॉक्टर अंबेडकर ये भी इस पार्टी में मौजूद थे मुक्ति दिवस मनाने में मुस्लिम लीग के साथ साथ डॉक्टर अंबेडकर भी थे मनाया गया था बाईस दिसंबर उन्नीस क्लियर हाँ निर्लिथ को उसमें भारत का क्या था भाई वायसराय था क्लियर फर्स्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत के पश्चात की घटना है चलिए बताइएगा क्वेश्चन नंबर टू एट्टी फोर क्वेश्चन नंबर टू एट्टी फोर बताना 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी किसने स्थानों पर यहां पर कांग्रेस को बहुमत मिला था आपसे क्वेश्चन पूछा गया है चलिए ध्रुआ कह रहे हैं कि सर कुछ क्वेश्चन पूछना था आज आप कोचिंग में नहीं आए कोई बात नहीं भाई मैं कोचिंग में ही था स्टूडियो में ही था यहीं पर सो रहा था तो भाई सॉरी क्या करें यार आप किसी से पूछे होते हैं तो बता दिया जाता मैं यहीं पर लेटा हुआ था सर दर्द था तो बस इसलिए ले वो लेटा हुआ था अंदर सॉरी क्या करें यार चलिए बताइएगा कल पूछते हैं ना क्या दिक्कत है रोज मिलेंगे ना चलिए क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है आपसे पूछा गया है कि कांग्रेस को कितने राज्यों में बहुमत प्राप्त हुआ था आपको बताएं आंसर क्या होगा भाई चलिए आंसर पर ध्यान दो क्वेश्चन पर ध्यान ध्यान दो दो क्वेश्चन पर क्या लिखा हुआ है कांग्रेस को कितने राज्यों में बहुमत मिला था उन्नीस का चुनाव का प्रांतों में हुआ था कितने प्रांतों 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 में 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 हुआ हुआ था था भैया चुनाव हुआ था तो कुछ में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी कितने प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी आठ प्रांतों में सरकार बनाई थी आठ प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी तीन प्रांतों में अन्य दलों की सरकारें बनी थी तीन प्रांतों में दलों की सरकारें बनी थी दो प्रांतों में जिनमें से दो प्रांतों में मुस्लिम लीग ने गठबंधन किया था पंजाब में और बंगाल में और एक प्रांत में उत्तर पश्चिमी की सरकार बनी थी आठ प्रांतों में किसकी सरकार बनी भाई आठ प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी लेकिन आठ में से कितने प्रांतों में इनको गठबंधन हुआ था और कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत मिला था आपसे क्वेश्चन पूछा गया है भैया जब भी पूछा जाएगा बहुमत की बात तो भाई बहुमत मिला था पांच प्रांत में बहुमत कहां पर मिला था पांच प्रांत में पांच प्रांत में इन्हें बहुमत मिलता है एक प्रांत एक प्रांत जो बॉम्बे था हल्का सा बहुमत से बहुत थोड़ा सा ही आंकड़ा कम था वो थोड़ा सा ही आंकड़ा कम था तो पांच प्रांतों में इनको पूर्ण बहुमत मिला तीन प्रांतों में गठबंधन करते हैं और तीन प्रांतों में अन्य पार्टियों की सरकारें 11 में से 11 में से आठ प्रांतों में कांग्रेस जीती थी संयुक्त प्रांत में पूर्ण बहुमत था गोविंद वल्लभ पंत बनाए गए थे उत्तर प्रदेश के संयुक्त प्रांत के कब चुनाव में ही। भाई आगे चले आंसर यहां पर क्या होगा भाई आंसर होगा सी ऑप्शन अर्थात पांच प्रांतों में तीन प्रांतों में अन्य दल पांच प्रांतों में पूर्व बहुमत और तीन प्रांतों में कांग्रेस ने ही सरकार बनाई थी लेकिन गठबंधन के साथ क्लियर आगे क्वेश्चन परिवर्धित संस्करण था क्वेश्चन भी आप ऐसे नेट पर सर्च करेंगे ना भाई? मिलता नहीं है क्वेश्चन ये क्वेश्चन भी मिलता नहीं है बताओ बढ़िया सा है ये भी ऐसे सामान्यता किसी किताब में भी नहीं पाओगे क्वेश्चन ना कोई नोट्स वगैरह में पाओगे ये भी क्वेश्चन लाजवाब है अपने में.

ऑप्शन दिया गया है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने तो बढ़िया सा क्वेश्चन है यहाँ पर बढ़िया सा ऑप्शन लिखा हुआ है कभी भी आपसे पूछा जाए कि क्रिप्स मिशन को अगस्त प्रस्ताव का परिवर्धित रूप किसने कहा था आंसर होगा पट्टा भी सीता रमैया ने जिन बच्चों ने भी आंसर को सी बोला है मुझे अंजलि का आंसर दिखा है सी जिन बच्चों का आंसर सी आया था वह आंसर बिल्कुल करेक्ट है तो बिल्कुल सही बात है जिन बच्चों ने आंसर क्या बोला है पट्टा सीता रमैया पट्टा ने इस कथन को कहा था के संदर्भ में नेहरू का कथन क्या था दिवालिया हुआ बैंक महात्मा गांधी का कथन क्या था तो महात्मा गांधी ने कहा था दीना चेक पोस्ट डेटेड चेक लेकिन पट्टा सीतारामैया ने कहा था अगस्त प्रस्ताव का परिवर्तित रूप किसने कहा था भैया तो पट्टा सीता रमैया ने इन्होंने कहा क्लियर आगे चले ऑप्शन है करेक्ट यह है बिल्कुल हमेशा हमेशा क्या करेंगे आप याद रखें चलिए क्वेश्चन नंबर टू एट्टी सिक्स बताइएगा लिखा हुआ है वर्ष उन्नीस सौ उनतालीस में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी चलिए बताइएगा सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी चलिए बताइए चलो बताइएगा अब से लिखा वर्ष उन्नीस में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात आपसे पहला क्वेश्चन तो ये पूछते हैं कांग्रेस को कब छोड़ा था तो आप कहेंगे उन्तीस अप्रैल उन्नीस को पहला बात कांग्रेस ने इस्तीफा कब दिया था तो आप कहेंगे उन्तीस अप्रैल उन्नीस अप्रैल उनतालीस को इस्तीफा कहा था इस्तीफा कहा था भैया उनतीस अप्रैल उन्नीस को कांग्रेस से इस्तीफा कहा था गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस के नाम का विरोध किया था कांग्रेस के अध्यक्ष थे कांग्रेस के अध्यक्ष थे और नेताजी के नाम का विरोध किया गया महात्मा गांधी द्वारा और जब विरोध किया गया तो सुभाष चंद्र बोस ने 29 अप्रैल उन्नीस को कांग्रेस नामक पार्टी से इस्तीफा दे दिया अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और एक पार्टी बनाई एक पार्टी बनाई त्रिपुरी संकट हुआ था इसी दौरान कांग्रेस का उन्नीस का त्रिपुरी संकट त्रिपुरी अधिवेशन उन्नीस वाला मध्य प्रदेश वाला वही घटना है तीस अप्रैल उन्नीस को इन्होंने क्या किया है इस्तीफा दिया है उसके बाद 22 जून उन्नीस को 22 जून उन्नीस को एक पार्टी बनी है पार्टी का नाम है आपसे पूछा गया है आंसर होगा फॉरवर्ड ब्लॉक आंसर क्या होगा भैया फॉरवर्ड ब्लॉक तो फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी का गठन किया है किसने नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस तिथि को किया है 22 जून उन्नीस को तो सदैव याद रखना याद रखना भैया कि फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी के संस्थापक कौन है तो आप कहेंगे नेता सुभाष चंद्र बोस है कब बनी है तो बाईस जून उन्नीस सौ उनतालीस को हमेशा इस को याद रखी पार्टी का नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक आपसे पूछा जाए कि सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष कांग्रेस से इस्तीफा दिया था उन्नीस सौ उनतालीस को कब दिया था उन्तीस अप्रैल उन्नीस सौ उनतालीस को बिल्कुल सही बात है जब त्रिपुरी अधिवेशन होता है तो आगे इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्लियर मध्य प्रदेश की घटना ठीक चलिए इंडियन फ्रीडम पार्टी उसी को हम आजाद हिंद फौज भी कहते हैं इसकी स्थापना राष्ट्र बिहारी बोस ने की थी बहुत अच्छे से आप सबको पता होगा उन्नीस सौ तिरालीस बोस चलिए अगला क्वेश्चन देखो मिलेगा आगे खूब क्वेश्चन मिलेगा सुभाष चंद्र बोस के बारे में खूब सारे क्वेश्चन कराएंगे कुछ नहीं तो 20-25 क्वेश्चन केवल सुभाष चंद्र बोस के बारे में होगा 20-25 क्या 30-35 कराएंगे नेताजी के बारे में क्लियर पूरा नेताजी को खंगाल डालेंगे जितने क्वेश्चन बन पाएंगे नेताजी से हम पूरा पूरा बनाएंगे नेताजी स्पेशल करा देंगे जैसे गांधी स्पेशल हुआ तिलक स्पेशल हुआ तो वैसे ही नेताजी स्पेशल भी हम कराएंगे चलिए क्वेश्चन नंबर टू एट्टी सेवन बताइए भारत के विभाजन का बालकन प्लान बालकन प्लान क्या था उपज थी किसके दिमाग की उपज थी चर्चिल के दिमाग की जिन्ना के दिमाग की माउंट बेटन के दिमाग की या वीपी मेनन के दिमाग की बताना है जो भैया ये ये प्लान था किसके दिमाग की थी। बालकन प्लान बताइएगा अमित कह रहे हैं जिन्ना के दिमाग की थी सुशांत कह रहे हैं जिन्ना के दिमाग की थी प्रतीक्षा कह जिन्ना के दिमाग की थी लोकेश कह रहे हैं माउंट बेटन की दिमाग की थी चलिए बताइएगा भाई और सब बोलो भाई ये चार लोग ही पढ़ रहे हो कह रही है क्या कौन बेटन तो आपसे जब भी पूछा जाए बालकन प्राण क्या था एक चीज बता सकते हो बालकन क्या है बालकन क्या है कभी सुने हो कभी समझे हो बालकन क्या है कौन बताएगा भाई बालकन क्या है आंसर यहां पर क्या होगा माउंट बेटन आंसर तो यहां पर सी सही है बालकन प्लान हर विभाजन का जो बालकन प्लान था ये किसके दिमाग की उपज है तो बात क्या कहेंगे आप भाई ये दिमाग है लॉर्ड माउंट बेटन भारत के वायसराय लॉर्ड के दिमाग की उपज थी क्या बालकन प्राण कब आया था जून सैतालीस को कब आया भैया जून को, को इसी को हम लोग माउंट बेटन योजना भी कहते हैं इसी को हम लोग माउंट बेटन योजना कहते हैं डिक्की बर्ड योजना कहते हैं मन बाटन योजना कहते हैं तीन जून योजना कहते हैं बिल्कुल सही बात है शिवानी का आंसर बिल्कुल सही है बालकन कहा है यूरोप में है यूरोप में बालकन एक प्रायद्वीप है बालकन एक प्रायद्वीप है बहुत प्रसिद्ध घटना है कभी आप डालिएगा की घटना बहुत प्रसिद्ध घटना मिलेगी सात सात देशों देशों का 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 एक का एक एक समूह समूह है बालकन प्राय है प्रायद्वीप प्रायद्वीप बहुत प्रसिद्ध कहानी है ठीक बिल्कुल सही बात है साइड डिवीजन का मामला है नीदरलैंड के संदर्भ में तो बालकन यहां की कहानी नहीं है बालकन कहा की कहानी है यूरोप की कहानी है और उसी बालकन प्लान के तहत ही उसी बालकन प्लान के तहत ही माउंट बेटन ने क्या किया था भारत का बंटवारा किया था दो साइड से साइड का मामला है ये दो साइड एक पंजाब वाला साइड और एक पश्चिम बंगाल वाला साइड दो साइड किया दो पाकिस्तान बनाया एक पश्चिम पाकिस्तान एक पूरी पाकिस्तान ये किसके दिमाग की उपस्थिति तो आप कहेंगे माउंट बेटन के दिमाग की उपस्थिति कब आई थी तीन जून उन्नीस को क्लियर भाई आंसर यहां पर क्या राइट होगा लॉर्ड माउंट बेटन के मस्तिष्क का प्लान था क्या बाल्टन प्लान क्लियर आगे चले तीन जून उन्नीस सौ सैतालीस आप सदैव कहेंगे यूरोप से चलिए लिखा हुआ है किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्धों को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था जर्मनी और ब्रिटेन लड़ रहा था तो कौन सा ऐसा भारतीय था कौन सा ऐसा भारती था जिसमें इसमें अपना फायदा दिखा तो चलिए क्या लिखा हुआ है सर संविधान के लिए कौन सी बुक लें भाई संविधान के लिए तो संविधान के लिए एक बेसिक से अगर आपको बुक लेनी है तो आप लक्ष्मीकांत की लक्ष्मीकांती महेश बनवाल ले सकते हो भाई महेश बनवाल अगर आपको स्टार्टिंग करनी है तो लोकेश भाई महेश बनवाल आराम से आप ले सकते हो पढ़ सकते हो चलिए क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कौन सा वो नेता था जिसमें जर्मनी और ब्रिटेन के युद्ध के दौरान भारतीयों को ये लगा कि अवसर है अच्छा अवसर है इसमें हम भी अपना हाथ साफ कर ले तो भाई क्या होगा भैया सुभाष चंद्र बोस आंसर क्या होगा भैया सुभाष चंद्र बोस सुभाष चंद्र बोस ने सरकार वगैरह बना दी थी आजाद हिंद फौज की आजाद हिंद सरकार बना दी थी अंतरिम सरकार का गठन कर लिया था तो प्रसिद्ध क्वेश्चन है कि इसमें लगा था फायदा सुभाष चंद्र बोस को लगा था कि भाई यही सही मौका है ब्रिटेन व्यस्त है जर्मनी से हाथों तो इसी में फायदा है फायदे का सौदा है कि हम भी क्या करते हैं यहां से युद्ध प्रारंभ करने का प्रयास करते हैं तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इसमें अपना फायदा दिखाई क्लियर आगे अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू एट्टी नाइन बताना किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबत में एक कील सिद्ध होगी चलिए बताइएगा आसान सवाल है बहुत ही आसान है भाई बहुत ही आसान है इस क्वेश्चन का जवाब तो सभी लोग देना इस क्वेश्चन का जवाब सभी लोग देना देखते हैं कौन कौन बच्चे लाइव हैं तो चलिए पढ़ते हैं हम नाम पढ़ते हैं एक तरफ से प्रिया है प्रेम है शिवानी है प्रियंका है आनंद है हंसराज है लवलेश है आपका गलत है भाई ए होगा रामजी है पुष्पा है मयंक है प्रदीक्षा है सालू है अंजलि ध्रुवा और अरुणेश अमित आस्था अजय और जिसान गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण अरे भाई गदर क्रांति तो फर्स्ट वर्ल्ड वार आ गया गए भाई जिसान भाई फर्स्ट वर्ल्ड वार चले गए जितने बच्चे हैं मारूप तारा ठीक जितने बच्चे हैं सभी का है। मेरी पीठ पर किए जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबत में किस सिद्ध होगा तो ये कथन है किसका लाला जी का जब लालाजी पर लाठी चार्ज किया गया था लाला जी पर जब लाठी चार्ज किया गया था 1928 में स्टांडर्स द्वारा लाठी चार्ज कराया गया था तब इन्होंने इस कथन को कहा था तो आंसर यहां पर क्या करेक्ट है भैया पंजाब केसरी लाला लाजपत राय से पंजाब पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है किसे लाला लाजपत राय को और ध्यान देना भारत की एक बैंक है पंजाब नेशनल बैंक संस्थापक है लाला जी लाला जी क्या है संस्थापक है पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक कौन है तो आप कहेंगे लाला लाजपत राय क्लियर आगे अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू नाइन्टी बताइएगा से वर्ल्ड हिस्ट्री का यह सवाल है, है। वर्ल्ड हिस्ट्री का यह मामला है वर्ल्ड हिस्ट्री एक संधि एक घोषणा एक है जिसका असर भारत पर भी पड़ा था तो बताइएगा क्वेश्चन क्वेश्चन टू नाइनटी क्वेश्चन नंबर दो सौ नब्बे लिखा हुआ है अटलांटिक चार्टर आपको यही बताना है यहां से एक क्वेश्चन बन जाता है जिसने यह का जिसमें यह कहा गया कि प्रत्येक देश की जनता का यह स्वतंत्र अधिकार है कि वह अपने हिसाब की सरकार चुन सके चुनवा सके तो किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के शासनकाल में पेश किया गया था अटलांटिक चार्टर बहुत प्रसिद्ध घटना है बहुत ही प्रसिद्ध घटना भाई अटलांटिक चार्टर किसके शासनकाल में हुआ था आपसे सवाल के यहां पर जवाब लिखे हुए हैं एफ टी रूजबेल्ट वेस्टर्न चर्चिल चैंबरलैंड क्लीमेंट इटली लिखा हुआ है बताइएगा चलिए बताइएगा बच्चे कह रहे हैं रूजवेल्ट अरे भाई रूजवेल्ट कहा से भाई रूजवेल्ट अरे बहुत मार खाओगे बहुत मार खाओगे भाई इतना मार खा जाओगे ना कि कोई आपको बचाने वाला नहीं होगा अमेरिका का सबसे ताना साह राष्ट्रपति था रूजबेल्ट और बना दिया ब्रिटेन का प्रधानमंत्री भाई क्या किया जाए आप लोगों का यार अमेरिका का राष्ट्रपति है रूजबेल्ट पांच पांच बार राष्ट्रपति बना है रूजबेल्ट रूजबेल्ट भाई इस समय अमेरिका का राष्ट्रपति था प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है रूजबेल्ट और बना रहे हो क्या ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बहुत मार खाओगे बहुत मार खाओगे आपको बताते हैं अटलांटिक चार्टर कब हुआ था अटलांटिक चार्टर एक घोषणा थी एक घोषणा थी घोषणा कब हुई थी 1941 में ध्यान से सुनना अटलांटिक चार्टर एक घोषणा थी और इस घोषणा कब हुई थी आप कहेंगे वर्ष 1941 में कहां से हुई थी किसके किसके मध्य हुई थी किसके किसके मध्य हुई थी तो अटलांटिक चार्टर हुआ था अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल के मध्य इसके मध्य भाई किसके मध्य हुआ था भैया तो किसके मध्य हुआ था रूजवेल्ट और चर्चिल के मध्य अमेरिका के राष्ट्रपति और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आपसे कभी पूछा, आप पूछा जाए क्या भाई अटलांटिक चार्टर कब हुआ था आप कहेंगे वर्ष उन्नीस में हुआ था अटलांटिक चार्टर में क्या कहा गया था इसमें कहा गया था कि प्रत्येक देश के नागरिकों का यह अधिकार है वह चुने वह बताए कि किसके देश में कैसी सरकार हो ये इनका क्या है मौलिक अधिकार है ऐसा अटलांटिक चार्टर एक्ट में कहा गया था ये किसके किसके मध्य समझौता था जो तो समझौता हुआ था अमेरिकी राष्ट्रपति रूज और ब्रिटिश प्रधानमंत्री विस्टन चर्चिल के मध्य क्लियर भाई आंसर तो यहां पर क्या होगा आपसे पूछा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के शासनकाल में हुआ था तो आप कहेंगे चर्चिल के शासनकाल में क्लियर दूसरी बात चैंबरलैंड का नाम था ध्यान से याद रखना आज पूछाता है द्वितीय तो युद्ध किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था एक सितंबर उन्नीस सौ सेकेंड वर्ल्ड वॉर प्रारंभ पूछाता है किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में द्वितीय युद्ध प्रारंभ हुआ था चैंबरलैंड याद रखना अच्छे से याद रखना दूसरी बात पूछाता है अमेरिका में सर्वाधिक बार बनने वाला राष्ट्रपति कौन था रूजबेल्ट पांच बार बार पांच बार दूसरी बात हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराने का आदेश किसने दिया था रूजवेल्ट ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था रूजवेल्ट था याद रखना सर्वाधिक बार बना है सेकेंड वर्ल्ड वार के समय है और जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरवाने वाला व्यक्ति है अमेरिकी राष्ट्रपति रोजबेल्ट के आदेशों पर ही उस काम को किया गया दुनिया का सबसे बड़ा नरसंहार माना जाता है क्या परमाणु बम हमला इसी ने करवाया था नियर बाई अमेरिका का एक तानाशाह राष्ट्रपति अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू नाइन्टी वन बताइएगा उन्नीस सौ बयालीस के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद किया गया था बांकीपुर जेल बांकुड़ा जेल हजारीबाग जेल और अल्मोड़ा जेल चलिए बताइएगा हम एक एक करके बताते हैं अल्मोड़ा जेल में रखे गए थे पंडित नेहरू अल्मोड़ा जेल में कौन रखे गए थे पंडित नेहरू अल्मोड़ा जेल कहां पर है तो आप कहेंगे देहरादून में अलमेड़ा अल्मोड़ा जेल कहां पर है देहरादून में और देहरादून कहां है उत्तराखंड में उत्तराखंड ये तो नहीं होगा उत्तराखंड के अल्मोड़ा जेल में किसको रखा गया था पंडित थेरू को आपसे पूछा बांकुड़ा जेल कहां पर है तो कहेंगे भैया बांकुड़ा जेल तो यार ये पड़ता है पश्चिम बंगाल में कहा पड़ता भाई पश्चिम बंगाल में पड़ता है और बांकुड़ा जेल में किसको रखा गया था तो मौलाना आजाद को मौलाना आज आपको और आपसे पूछा जाता है राजेंद्र प्रसाद को कहां रखा गया था बांकीपुर जेल में कहा रखा गया था भाई बांकीपुर जेल में यहां पर करेक्ट आंसर आपका क्या होगा बांकीपुर जेल और बांकीपुर जेल कहां स्थित है तो आप कहेंगे बिहार में बिहार के पटना शहर में स्थित है क्या बांकीपुर जेल तो बांकीपुर जेल किस राज्य से संबंधित है तो आप सदैव कहेंगे बिहार से और यहां पर किसको रखा गया था राजेंद्र प्रसाद को ऑपरेशन जीरो आवर स्टार्ट हुआ था ना ऑपरेशन जीरो आवर के तहत इन नेताओं की क्या हुई थी भाई गिरफ्तारी हुई थी आगा खा पैलेस में गांधी जी को रखा था बात है भाई बिल्कुल सही बात है पुणे के आगा खां पैलेस में गांधी जी को रखा गया था चलिए अगला क्वेश्चन बताना लिखा हुआ है जयप्रकाश नारायण जी किस पार्टी से संबंधित है जयप्रकाश जे नारायण जेपी नारायण एक प्रसिद्ध नाम है और आपको बताना है कि जेपी नारायण जी किस पार्टी से संबंधित थे चलिए बताइएगा जयप्रकाश नारायण जिसे हम लोग क्या कहते हैं भाई लोकनायक कहते हैं जेपी नारायण को हम लोग क्या कहते हैं भाई लोकनायक लोक लोकनायक कहा जाता है बताना है आपको क्या आपसे पूछा जाता है कि जयप्रकाश नारायण जी किस पार्टी से संबंधित थे किस पार्टी से संबंधित थे बता सकते हो कौन बताएगा भाई जस्टिस पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी सोशलिस्ट पार्टी किसान सभा आपसे पूछा गया है कि जयप्रकाश नारायण जी किस पार्टी से जुड़े थे किस पार्टी से जुड़े थे किसी का आंसर सही नहीं आया किसी का भी आंसर सही नहीं आया आंसर क्या होगा भैया आंसर होगा सोशलिस्ट पार्टी आंसर क्या होगा सोशलिस्ट पार्टी जयप्रकाश नारायण ने दो पार्टी बनाई थी जयप्रकाश नारायण ने दो पार्टी बनाई थी नंबर एक पार्टी क्या है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी याद रखना कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और दूसरी पार्टी थी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी इन दोनों पार्टियों का गठन किसने किया था तो आप कहेंगे जेपी नारायण ने लोकनायक लोक ने लोकनायक जेपी नारायण ने दो पार्टियों का गठन किया था एक तो नाम क्या था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और दूसरी पार्टी का नाम था प्रजा सोशलिस्ट पार्टी क्लियर तो आपसे कहीं पूछा जाए कि जेपी नारायण जी किस पार्टी से जुड़े थे तो आप कहेंगे सोशलिस्ट पार्टी से क्लियर आगे अगला क्वेश्चन टू नाइन्टी थ्री बताइएगा लिखा है वह व्यक्ति जिसने दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था वे थे महात्मा गांधी लाल लाजपत राय मदन मोहन मालवी या फिर स्वामी श्रद्धानंद बताइएगा प्रसिद्ध घटना है हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण देने का काम किया था एक हिंदू संत ने एक हिंदू संत ने कहा दिया था तो आप कहेंगे दिल्ली की जामा मस्जिद में दिल्ली की जामा मस्जिद में दिया था महात्मा गांधी के कहने पर दिया था और बाद में उसकी हत्या भी कर दी गई थी दिल्ली में, में उन्नीस का नाम है स्वामी श्रद्धानंद आंसर पर क्या होगा भाई राइट होगा स्वामी श्रद्धानंद स्वामी श्रद्धानंद वो व्यक्ति जो हिंदू मुस्लिम एकता के संदर्भ में दिल्ली की जाम मस्जिद में जुमे की नमाज के दिन स्वामी श्रद्धानंद ने क्या दिया था भाषण दिया था ताकि हिंदू मुसलमान क्या रहे एक रहे इस बात पर आसर देने वाले प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है स्वामी श्रद्धा नंद क्लियर भाई आगे चले। देखना अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर बताना लिखा निम्न आंदोलन में से किस एक के साथ अरुणा आशाफली का संबंध भूमिगत क्रियाकलापों के रूप में भूमिगत क्रियाकलापों के रूप में महिला संगठनकर्ता के रूप में था बताना है इस आंदोलन के दौरान कौन अरुणा आसफली का संबंध भूमिगत क्रियाकलाप याद है मैंने लिखाया था मैं लिखाया था क्या रेडियो स्टेशनों की स्थापना हुई थी भूमिगत रेडियो स्टेशन चले थे इस आंदोलन के दौरान इस आंदोलन के दौरान हुआ था भाई मैथ की क्लास चलेगी तीन बजे मैथ की क्लास तीन बजे चलेगी आज आरबी सर मैथ पढ़ाएंगे भाई जाइएगा मत क्लियर चलिए बताइएगा क्या बता रहे भाई भारत छोड़ो आंदोलन कहा है भाई भारत छोड़ो आंदोलन जिन बच्चों ने भी सी ऑप्शन बोला है बिल्कुल सही है जिन बच्चों ने आंसर सी बोला है उन्हीं का सही होगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकारों की स्थापना हुई थी प्लस प्लस भूमिगत रेडियो स्टेशनों की स्थापना हुई थी कब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान डॉक्टर राम मनोहर के साथ मिलकर किसने अरुणा असफली ने क्या किया था भूमिगत रेडियो स्टेशनों की स्थापना की थी तो भूमिगत क्रियाकलापों के लिए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अरुणा अशफली का नाम जाना जाता है बहुत प्रसिद्ध है भारतीय महिलाओं के संदर्भ में अरुणा अशफली बहुत प्रसिद्ध है क्लियर चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 295 बताइएगा लिखा है निम्न में से किसने सभी तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लिया था निम्नलिखित में से किसने तीनों गोल में सम्मेलन भाग लिया था तो बहुत ही मस्त सा और बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है औसा मेहता भी थी मेहता भी थी हमेशा नहीं कह रहा उषा मेहता नहीं थी उषा मेहता भी थी मदन मोहन मालवीय थे जेपी नारायण भी थे ठीक आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन था तो आप कहेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने वाले व्यक्ति थे आपको बताते एक बात और कुछ किताबों में तेज बहादुर सप्रू का भी नाम मिलता है कुछ किताबों में तेज बहादुर सप्रू का भी नाम मिलता है लेकिन आज तक जो एग्जाम में पूछा गया है तो इस एग्जाम में केवल डॉक्टर अम्बेडकर को ही सही माना गया है लेकिन कुछ किताबों में बता रहे हैं तेज बहादुर सप्रू का भी नाम मिलता है कि तेज बहादुर सप्रू भी वो व्यक्ति था जो तीनों गोल में सम्मेलन में गए थे लेकिन तो पेपरों के हिसाब से एग्जाम के हिसाब से आज तक अंबेडकर जी को ही सही माना क्लियर आगे क्वेश्चन नंबर टू नाइनटी सिक्स बताइएगा निम्न में से किस आंदोलन को दिल्ली चलो सत्याग्रह कहकर पुकारा गया था दिल्ली चलो सत्याग्रह बताना। में से किस आंदोलन को निम्न में से किस आंदोलन को दिल्ली चलो सत्याग्रह कहकर पुकारा गया था बताइएगा लिखा हुआ है क्या भारत छोड़ो आंदोलन को व्यक्तिगत सत्याग्रह को साइमन कमीशन के विरोध को क्रिप्स मिशन के विरोध को तो सही बच्चों का सही होगा आंसर क्या होगा भैया? व्यक्तिगत सत्याग्रह को व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ था तो 17 अक्टूबर 1940 को 17 अक्टूबर 1940 को शुरू हुआ है क्या व्यक्तिगत सत्याग्रह कब तक चला है तो 17 दिसंबर 1940 तक 17 दिसंबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह को स्थगित कर दिया गया दूसरी बात बढ़िया सा क्वेश्चन बताते हैं और ढूंढिएगा आंसर क्या व्यक्तिगत सत्याग्रह में जो सत्याग्रही बने थे सत्याग्रही बने थे ना तीन सत्याग्रही बने थे हम पढ़ते हैं सामान्यतः दो का ही नाम चलिए आज तीसरे का नाम आपको बताते हैं पहले कौन थे आचार्य विनोबा भावे पहले कौन थे अब बताइएगा आचार्य विनोबा भावे टाइप करना पहले कौन थे आचार्य विनोबा भावे सबको पता है दूसरे कौन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे कौन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू अमित भाई बहुत तेज हो यार बहुत तेज हो बहुत तेज हो आप लोग यार हम तो सोचे यार हम ही तेज हैं हम तो सोचे यार हम ही तेज हैं आप लोग तो हमसे भी तेज हो आ गया आंसर अमित भाई ने बता दिया क्या बताएं यार और और क्या बताएं बता तो दिए पहले कौन थे आचार्य विनोबा भावे दूसरे कौन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू तीसरे कौन थे ब्रह्मदत्त तीसरे कौन थे भाई ब्रह्मदत्त आंसर आ चुका है भाई क्या बताएं यार क्या बताएं अमित भाई ने कहा और प्रेम कैसे कह रहा है कह रहा कोई ब्रह्मा जी थे अरे ब्रह्मा जी नहीं थे ब्रह्मदत्त थे और सही भाई अच्छा प्रिया सॉरी सॉरी अभी हम देखते हैं अभी का एंड होने के बाद तुरंत देखेंगे और देखने के बाद अगर आंसर मिलता है तो हम कमेंट कर देंगे क्लियर भाई आप समझे तो चलिए आपसे कहीं पूछा जाए कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के सत्याग्रहियों का नाम तो आप कहेंगे नंबर एक पर आचार्य विनोबा भावे प्रथम द्वितीय है कौन पंडित जवाहरलाल नेहरू तृतीय है कौन तो आप कहेंगे ब्रह्मदत्त कब शुरू हुआ है 17 अक्टूबर 1940 को कब समाप्त हुआ है 17 दिसंबर 1940 को किसका विचार था महात्मा गांधी का व्यक्तिगत सत्याग्रह को, को ही दिल्ली चलो सत्याग्रह कहा जाता है क्लियर भाई हां जी बहुत तेज हो भाई आप लोग यार हिस्ट्री तो आप लोगों की एकदम पूरा हमको विश्वास ही नहीं हो रहा है तो जब कजब चलिए बताइएगा एक बढ़िया सा सवाल फिर से आप सबके सामने लिखा हुआ है मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है यह वक्तव्य किसका है बताना चलिए तो आप लोग इस लेवल पर पहुंच चुके हो इस लेवल पर पहुंच चुके हो और कल की क्लास बहुत खतरनाक होगी हम बता दे रहे हैं कल की क्लास बहुत खतरनाक होगी कि आप लोग अब ना ए भाई तुक्का चलिए तुक्का लगा तब तो भाई गात चलिए लिखा हुआ है क्या मैं एक समाजवादी हूं और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों विश्वास नहीं है तो चलिए बताइएगा आंसर क्या होगा आंसर क्या होगा भाई सर नहीं पता कोई बात नहीं भाई नहीं पता अरे चलिए कोई बात नहीं अरे भाई ये प्रसिद्ध कथन किसका है पंडित जवाहरलाल नेहरू का है ये कथन किसका है नेहरू का है, है। ध्यान से याद रखना जब भी कभी समाजवाद की बात आएगी तुक्का मारना किस पर नेहरू पर तुक्का ही मारना है नेहरू पर मारो जब भी समाजवादी की बात आएगी तो नेहरू पर तुक्का मारना किसी और पर तुक्का मत मारो अगर तुक्का ही मारना है तो नेहरू का बहुत प्रसिद्ध कथन है समाजवाद के संदर्भ में उन्होंने कहा था मैं मैं समाजवादी हूं और मेरा लक्ष्य समाजवाद की स्थापना है समाजवाद की स्थापना है यह पंडित नेहरू का कथन है हम लोग पढ़ते हैं भारत के सबसे बड़े समाजवादी प्रधानमंत्री कौन रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू पीटी नेहरू भारत में सबसे बड़े समाजवाद के समर्थक रहे हैं और पंडित नेहरू का ही कथन था कि मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है ये राजकुमार और राजा कोई कम के नहीं है ऐसा कौन कह रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू अर्थात ये कथन किसका है पंडित नेहरू का क्लियर 1936 का लखनऊ अधिवेशन और पंडित नेहरू का बयान कोई नहीं भूलेगा 1936 के लखनऊ अधिवेशन में ही नेहरू ने कहा था कि मैं समाजवादी हूं और मेरा लक्ष्य भारत में समाजवाद की स्थापना है ऐसा कथन था ऐसा विचार था किसका? पंडित जवाहरलाल नेहरू की नेहरू अच्छे से याद रखना क्लियर आगे अगला क्वेश्चन नंबर टू चलिए धीरे धीरे हम लोग आज तेहरे शतक की तरफ बढ़ रहे हैं तेहरा लग जाएगा आज सहभाग जी के बराबर हम लोग पहुंच जाएंगे मुल्तान के सुल्तान बनने के करीब है वह राष्ट्रीय नेता कौन थे जो उन्नीस में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे बताइएगा क्वेश्चन बताओ भाई आंसर आंसर क्या होगा वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा सेंट्रल असेंबली का मतलब क्या है लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब क्या है केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष बनाए गए थे मोतीलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल चितरंजन दास विठल भाई पटेल आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 1925 के केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने थे बिट्ठल भाई पटेल कौन थे बिठल भाई पटेल बिठल भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई सरदार जी के बड़े भाई सरदार जी के बड़े भाई redo?". कौन भाई विट्ठल भाई, बिथल भाई। पटेल को बनाया गया था 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष भाई, भाई पटेल को जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे चले? आगे बताइएगा चलें चलिए <coughs> अगला क्वेश्चन बाद में सुभाष चंद्र बोस ने इनकी बहुत सेवा भी की थी अब बताएं सुभाष चंद्र बोस की देखरेख में ये काफी समय तक रहे थे सुभाष चंद्र बोस ने बाद में इनको बहुत सेवा की थी सुभाष चंद्र बोस के पास ही इनकी डेथ हुई थी बहुत सेवा की थी इनको बीमारी हो गई थी बीमारी हो गई थी सुभाष चंद्र बोस ने बहुत देखरेख किया था उन्हीं के पास इनकी डेथ हुई थी चलिए क्वेश्चन आप देखना क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है क्या टू नाइनटी नाइन एक बिल आया था इसका नाम था पब्लिक सेफ्टी बिल सुरक्षा विधेयक जन सुरक्षा विधेयक जन सुरक्षा लिखा होगा पब्लिक सेफ्टी बिल 1928 का विरोध करते समय निम्न में से किसने कहा था यह भारतीय राष्ट्रीयता पर भारतीय कांग्रेस पर सीधा प्रसार है तो सीधा प्रहार है और भारत की दास्ता तो पहले नंबर का बिल है ऐसा किसने कहा था तो सर आप सबका लिखा हुआ है चलिए आपसे लिखा हुआ है उन्नीस का पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध करते हुए निर्णय से किसने कहा था कि यह भारतीय राष्ट्रीयता पर भारतीय कांग्रेस पर सीधा प्रसार प्रहार है और भारत की दासता का पहले नंबर का बिल है मतलब कहने का मतलब है कि इससे भारतीय राष्ट्रीयता आहत होगी कांग्रेस आहत होगी और इसका उद्देश्य बस एक ही चीज है कि भारत की दासता अर्थात भारत की गुलामी ऐसा किसने कहा था तो आपका आंसर होगा पंडित मोतीलाल नेहरू ने पंडित मोतीलाल नेहरू ने इस संदर्भ में कहा था कब कहा था वर्ष 1928 के सुरक्षा विधेयक पर पब्लिक सेफ्टी बिल पर किसने कहा था तो आप कहेंगे पंडित मोतीलाल नेहरू क्लियर <laughs> चलिए तो तेहरा शतक लग चुका है तेहरा शतक लग चुका है और एक आसान से एक बढ़िया से सवाल के साथ हम लोग पहुंच चुके हैं क्या ट्रिपल सेंचुरी में हम लोग ट्रिपल सेंचुरी में चलिए बताइएगा क्वेश्चन नंबर थ्री क्या लिखा हुआ है गांधी जी ने भारत में अपना पहला जन्मभाषण कहा था गांधी तो जी ने भारत में अपना पहला जन्म भाषण कहाँ दिया था बंबई में चंपारण में लखनऊ में वाराणसी में चलिए बताइएगा गांधी तो जी ने अपना पहला जन्म भाषण कहाँ दिया था तो चलिए आज हम लोग तेहरे शतक पर हम लोग आज ये हमको लगता है ये दसवीं क्लास है और दसवीं क्लास में हम लोग पहुंच चुके हैं कहा पर तीन के स्कोर पांच सौ के स्कोर पर पहुंचना है पांच सौ के स्कोर को टच करना है ठीक तो चलिए बताइएगा आंसर क्या होगा भैया टेस्ट में आया था बिल्कुल सही बात है आंसर क्या होगा भैया वाराणसी में गांधी जी ने भारत में पहली बार कहां पर जन संबोधन किया था आप कहेंगे वाराणसी में अवसर क्या था 1916 वर्ष था 1916 और अवसर था बीएचओ उद्घाटन अवसर क्या था भैया बीएचओ उद्घाटन बीएचओ के उद्घाटन में ही महात्मा गांधी जी ने पहली बार भारतीय जनसभा को संबोधित किया था आंसर क्या होगा भैया आपसे कहेंगे तो आप कहेंगे बीएचयू की स्थापना के समय गांधी जी ने पहली बार भारतीयों को संबोधित किया था भारत में पहली बार जनता को समक्ष भाषण दिया था वर्ष 1916 के बी उद्घाटन समारोह में क्लियर आगे क्वेश्चन नंबर थ्री बताइएगा लिखा हुआ है अखिल भारतीय कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य का, दल का गठन किसने किया था क्वेश्चन हो चुका है बस क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़ाकर चढ़ा कर हमने लिखा हुआ है बढ़ा चढ़ा कर लिखा हुआ है सब बताइएगा उस व्यक्ति को राष्ट्र का मित्र कहा जाता है राष्ट्र का मित्र सुने हो किसे कहा जाता है राष्ट्र का मित्र, मित्रे कहा जाता है आंसर क्या होगा भैया आंसर क्या होगा चितरंजन दास सीआर दास चित्रंजन दास अखिल भारतीय कांग्रेस खिलाफ स्वराज्य दल का गठन किसने किया था चितरंजन दास ने कहा किया था इलाहाबाद में किसके साथ पंडित मोतीलाल नेहरू के साथ आप लोग पढ़ते देश बंधु ना देश बंधु कहा जाता है किसे या देश बंधु कहा जाता है राष्ट्र का मित्र कहा जाता है कोई लिखा था भी देश बंधु कहा जाता है बताओ देश बंधु कहा जाता है कि राष्ट्र का मित्र कहा जाता है क्या आंसर होगा बताओ भाई देश बंधु या राष्ट्र का मित्र क्या होगा क्या होगा भाई हां पंडित मोतीलाल नेहरू दोनों ने किया था बिल्कुल सही बात है क्या कहा जाता है देश बंधु कहा जाता है ना देश बंधु कहा जाता है भाई राष्ट्र का मित्र क्या ना कुछ लोचा है लोचा है क्या देश बंधु को ही राष्ट्र का मित्र कहा जाता है देश बंधु को ही क्या कहा जाता है राष्ट्र का मित्र कहा जाता है अच्छे से याद रखना देश बंधु को ही राष्ट्र का मित्र कहा जाता है दोनों सेम है पर्यायवाची है दोनों सेम है पर्यायवाची है देश बंधु मतलब राष्ट्र का मित्र क्लियर भाई हिंदी का अर्थ है बिल्कुल सही बात है प्रियंका बिल्कुल सही बात है आंसर क्या होगा दास चलिए आज का लास्ट सवाल चलिए आपको सवाल देते हैं सवाल ये है आप सबके सामने आज का सवाल आज का सवाल ये है हम लोग कल जहां पर बात करेंगे बात करेंगे चलिए बताइएगा आज का सवाल ये है क्वेश्चन नंबर थ्री हंड्रेड सिक्स ये आज का सवाल है मैथ की क्लास जस्ट चलेगी इसके जस्ट बाद मैथ की क्लास बाई आरबी सर तो कहीं मत जाइएगा आज का ये सवाल है आप सबका सवाल का आंसर बहुत ही लाजवाब है सवाल का आंसर बहुत ही लाजवाब है पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है हिंदू और मुस्लिम मेरी दो बेगमें हैं मुस्लिम मेरी लाडली बेगम है यह कथन किसका है तो एक बढ़िया सा काम आपको देकर जा रहे हैं ढूंढिएगा खूब ढूंढिएगा गलत है गलत है गलत है लाड कर्जन वालों गलत है इतना तो आसान सवाल नहीं भाई इतना सवा... आसान सवाल नहीं है तो बताइएगा इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट सेक्शन में देना और ढूंढना लाड कर्जन नहीं होगा नहीं होगा ना मारो तुक्का ना मारो तुक्का तुक्का मारने वाला सवाल भाई नहीं है तो मिलता आपको नेक्स्ट क्लास में कल पुनः दोपहर दो बजे तब तक तो खुश रहो मस्त रहो पढ़ते रहो बाय बाय टेक केयर तुक्का मत मारो भाई मारो तुक्का हम नहीं रोकेंगे